कुरान अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दिया पाया। हाँ सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। आपको निकाल सकते हैं। डॉक्टर कैसे आप, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अभी आए हैं घर में दाखिल हुई हैं, तो मैं ये वीडियो देख रहा था तो मेरे जहन में अचानक आया कि क्या कोई बहुत क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं हजरत हमारे साहब, तो ये जो इन्होंने कहा है कि शैतान का जो नाम है जी जी। कुरान मजीद में इतना ज्यादा आया है कि तमाम अंबिया के नाम आप मिला लें, तो मैं फौरन गया तंजील.net पे। अब देखें ना ये चीजें तो मुश्किल नहीं रहे, अब आप तंजील पे देखें, ये शैतान का डस्ट मैंने डाला है और इसके बाद अब आप देखें फौरन इसने रिजल्ट्स दे दिए कि शैतान का जो लफ्ज़ है वो तकरीबन 63 आयात में आया है और 70 टाइम्स आया। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आप सिर्फ मूसा का नाम देखें, हजरत मूसा का आप डालें और आप सर्च डालें तो ये रिजल्ट दे रहा है कि जी 136 टाइम जो है मूसा का नाम, शैतान के नाम से 2 टाइम्स जो है मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हमने मिल रहा है, सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। और इनका कहना ये है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कुरान मजीद में नाम जो है वो शैतान का आया है, और इवन तमाम पैगम्बरों को मिला ले तब भी नहीं है। मतलब ये है कि इनके दिन में ये होता है पता नहीं, अगले ने कोई रिसर्च तो थोड़ी करनी है, अगले कुछ मतलब ऐसे लगता है जैसे एक बंदा कुछ बहुत क्वांटिटेटिव रिसर्च करके बैठा है। अल्लाह हिदायत दे। इस पे इंशाल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर साहब हमारा है, मेरे ख्याल है एक प्रोग्राम दोबारा करते हैं, और आई थिंक लेट्स वी नीड टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स, हमें कुछ चीजें और भी कवर करनी है इनके बारे में इंशाल्लाह। तो सून इनफ हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम करते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।